नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्लेम करती है कि बहुत बेहतरीन पुलिस है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस हर बार की तरह इस बार भी सवालों के घेरे में है। पीड़ित को, पीड़िता को उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल पा रहा है और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मैं अमर उजाला की न्यूज आपको दिखा रहा हूँ। पुष्पेंद्र यादव इनकाउंटर, पति को नहीं मिला न्याय तो शिवांगी ने की आत्महत्या। घटना पर अखिलेश यादव ने कही ये बात। झांसी में चर्चित पुष्पेंद्र यादव इनकाउंटर मामले में पति के लिए न्याय मांग रही उसकी पत्नी शिवांगी यादव ने बुधवार दोपहर जालौन स्थित अपने मायके में आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि आत्महत्या करने से पहले उसने अपनी हथेली में सुसाइड नोट लिखा था। सुसाइड नोट में लिखा था कि पति पुष्पेंद्र को अब तक न्याय ना मिलने से दुखी होकर के वह आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो रही हैं। उनका शव मिलते ही पुलिस अफसरों के बीच हड़कंप मच गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा, स्वर्गीय पुष्पेंद्र यादव की पत्नी की आत्महत्या सत्ता में विश्वास की हत्या है। किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करना दरअसल हत्या ही है। दरअसल पूरा मामला ये था, कुछ समय पहले पुष्पेंद्र यादव की फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी गई थी, मार दिया गया था। उनकी पत्नी दर दर भटक रही थी, ठोकरे खा रही थी और कह रही थी उनको न्याय चाहिए। लेकिन जब पुष्पेंद्र यादव को न्याय नहीं मिला तो इसके बाद उनकी पत्नी ने एक कदम उठाया और उन्होंने खुद से ही दुनिया को अलविदा कह दिया। समाजवादी पार्टी का ट्वीट सामने आया है, योगी सरकार के अन्याय ने ले ली एक निर्दोष जान। झांसी में मुख्यमंत्री के स्वजातीय पुलिसकर्मी द्वारा सत्ता के अहंकार में किए गए पुष्पेंद्र यादव के फर्जी एनकाउंटर ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। न्याय का इंतजार करते करते थक गई शिवांगी, दे दी जान। आरोपी को बचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मनीष गुप्ता की हत्या किस तरीके से की गई थी। आपको याद होगा, मनीष गुप्ता पेशे से व्यापारी थे, गोरखपुर किसी काम से गए हुए थे और जब मनीष गुप्ता होटल में थे तो मार करके पुलिस के द्वारा गोलियों से भून दिया गया था और मनीष गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। और उस पूरे मामले में जांच हुई तो तमाम पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, 302 तक लगाया गया और कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो अभी भी जेल में बंद हैं। एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी की किस तरीके से लखनऊ में हत्या कर दी गई थी और आरोप जो लगा था उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप लगा था। और जब पूरा मामला मीडिया में आया इसके बाद सरकार ने कहा मामले की जांच करवाएंगे और बाद में पता चला सोची समझी एक साजिश के तहत विवेक तिवारी की यूपी की राजधानी लखनऊ में हत्या की गई थी। आप सोचिए किस तरीके से टारगेट करके लोगों को मारा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये दावा करते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, यहाँ पर सब चंगा है। अरे साहब, अगर चंगा होता तो शायद शिवांगी को न्याय मिल गया होता, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला, उनके पति की हत्या की गई थी पुलिसकर्मियों के द्वारा। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार सामने है, फ्रंट पर है और योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के द्वारा ट्वीट किया गया है, अमर उजाला के कटिंग लगाई गई है, पुष्पेंद्र एनकाउंटर मामला, पत्नी ने लगाई सीएम से गुहार, बोली न्याय नहीं मिला तो कर लूंगी आत्महत्या 9 अक्टूबर 2019 को। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मीडिया में मामला सामने आने के बाद भी न्याय नहीं मिला। समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर किया गया था, उनकी हत्या की गई थी, दरअसल आरोपी पुलिसकर्मी योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के थे, स्वजातीय थे और इसीलिए उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं अखिलेश यादव के साथ ही अब तमाम लोग, देखिए निगर प्रवीण का ट्वीट आया है, उत्तर प्रदेश के झांसी में शिवांगी नाम की एक महिला ने फांसी लगा के जान दे दी, जानते हैं आप क्यों, सुनकर आप शर्मिंदगी से भर जाएंगे। करीब 4 साल पहले उसके पति पुष्पेंद्र यादव को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया था, तब से न्याय के लिए दर दर भटक रही थी, आहत थी, परेशान थी
और न्याय नहीं मिला और शिवांगी ने दुनिया को खुद ही अलविदा कह दिया। और उत्तर प्रदेश में आपको पता है किस तरीके से राम राज्य चल रहा है, तो हमें तो नहीं लगता कि राम राज्य चल रहा है, आपको भी लगता होगा। क्या आपको भी लगता है वास्तव में उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है या फिर कुछ और चल रहा है, या कोई और अन्य राज्य उत्तर प्रदेश में चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से पुलिसकर्मियों के ऊपर हत्या के आरोप लगाए जाते हैं, वैसे भी तमाम डेटा जो हैं वो डेटा बताते हैं उत्तर प्रदेश लगातार अपराध के मामले में नंबर 1 बना हुआ है, और जो पुलिस कस्टडी में लोगों की मौतें हो जा रही हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश लगातार नंबर 1 बना हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति थाने लाया जाता है तो कुछ समय बाद पता चलता है उस व्यक्ति की लाश उठ रही है, कहाँ से? थाने से, पुलिस स्टेशन से। तो भरोसा किस पर किया जाए? ऐसा लग रहा है यहाँ पर सब कुछ, न्याय जो है, व्यवस्था है, पूरी तरीके से पुलिस के हाथों में है, क्योंकि लोगों घरों बुलडोजर चलाया जा रहा है और न्यायालय का कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जग जाहिर है। आप क्या सोचते हैं पूरी खबर पर? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।